स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल एट रिजोल्यूशन स्टडी पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर थायोल्स, व्हाट इज देयर नोमेनक्लेचर। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ थायोल्स एंड मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स। थायोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है दैट इज थायोल, थायोल की फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि थायोल के लिए ऑर्डर क्या होगा या फिर इनकी स्मेल किस टाइप की होती है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है या ज़्यादा होता है, ये हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सोल्युबिलिटी, हमें सोल्युबिलिटी डिस्कस करनी है कि थायोल्स वाटर में सोल्युबल हैं या फिर इनसोल्युबल हैं। ओके, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं थायोल की, जिसमें फिजिकल स्टेट, ऑर्डर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस फिजिकल स्टेट। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये क्या है, फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो फिजिकल स्टेट आपको पता है मैटर की तीन ही स्टेट हो सकती हैं, या तो होगा सॉलिड, या होगा लिक्विड, या फिर क्या होगा गैस। जनरली जो दो अदर स्टेट हमको हम डिस्कस नहीं करते, यहाँ पर हम केवल तीन स्टेट को डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर मैं थायोल की बात करूँ तो जो फर्स्ट आपका थायोल है, फर्स्ट थायोल दैट इज मीथेन थायोल। मीथेन थायोल गैसियस नेचर में एग्जिस्ट करता है, जबकि मीथेन थायोल को छोड़ करके जितने भी थायोल हैं, ऑल रिमेनिंग थायोल्स, मीथेन थायोल को छोड़ करके जितने भी आपके बचे हुए जितने भी थायोल हैं, सबके सब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, ऑल आर कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। तो हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट में कि जो थायोल है, जिसमें फर्स्ट थायोल मीथेन थायोल तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जितने भी थायोल हैं सबके सब कलरलेस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज ओडर, और वी कैन से स्मेल, ओडर या फिर स्मेल की बात करते हैं। देखिए जितने भी थायोल हैं इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल है, किसी की अनप्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सब की थायोल्स की अलग अलग टाइप की स्मेल होती है। तो वी कैन से लोअर मेंबर्स का मतलब है अप टू कार्बन नंबर 8। लोअर मेंबर्स ऑफ थायोल हैव स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव स्मेल, हैव स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव स्मेल, स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव स्मेल्स। लेकिन अगर हायर मेंबर की बात करेंगे तो हायर मेंबर्स में स्मेल जो है ना थोड़ी सी माइल्ड होती जाएगी, स्मेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोअर मेंबर्स में स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और हायर मेंबर में स्मेल थोड़ी सी कम हो जाएगी। साथ में इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वो ये है कि जो आपका फ्रेशली चॉप्ड अनियन होता है, फ्रेशली चॉप्ड जो अनियन है इसके अंदर जो स्मेल आती है वो आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोपेन
वन थायोल। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अनियन की स्मेल किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोपेन वन थायोल। फ्रेशली चॉप्ड अनियन में प्रोपेन वन थायोल होता है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल इस टाइप की होती है। नाउ गार्लिक, गार्लिक में एक ऑर्डर होती है जिसको गार्लिक ऑर्डर हम बोल देते हैं। तो जो गार्लिक ऑर्डर है, गार्लिक में जो ऑर्डर है वो किस वजह से होती है, तो गार्लिक की ऑर्डर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोप टू इन वन थायोल। तो अनियन में तो क्या था, प्रोपेन थायोल था, और गार्लिक में क्या होता है, प्रोपेन थायोल, प्रोप टू इन थायोल, जिसकी वजह से गार्लिक का ये ऑर्डर होता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखनी है कि जो आपका एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है, इसमें जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। बट लीकेज का आपको पता कैसे चले, क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस है ये तो हाईली फ्लेमेबल है, तो इसके अगर इसमें लीकेज होती है तो आपको पता चल जाए, इसलिए इसके अंदर ऐड किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन थायोल। इथेन थायोल इज एडेड इनटू एलपीजी सिलेंडर। ओके, तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर है, गार्लिक की ऑर्डर किस वजह से है, प्रोप टू इन वन थायोल की वजह से, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी थायोल ऐड की जाती है, इथेन थायोल, और अनियन की स्मेल किस वजह से है, तो अनियन की स्मेल किस वजह से है, यहाँ पर प्रोपेन थायोल की वजह से। ओके, तो ये था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद, फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग और ऑर्डर के रिगार्डिंग हमने बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम थायोल की बात करें, तो थायोल का, लोअर थायोल के लिए बात करती हूँ, लोअर थायोल मीन्स अप टू कार्बन अप टू 8 हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल। कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास एक तो है इथेन थायोल और दूसरा है आपके पास इथेनॉल, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, इथेनॉल का। क्यों भाई, लोअर थायोल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर क्यों होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो थायोल होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से थायोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट अगर हम बात करें हायर मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो जो हायर मेंबर्स थायोल जो होंगे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। वाई, हमने बात की कि जो लोअर थायोल है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है एल्कोहल के कंपैरिजन में। क्यों कम था, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जो सल्फर है ना, सल्फर को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। लेकिन हमने कहा कि जो हायर थायोल है मीन्स इसमें कार्बन 8 से भी ज़्यादा है, उसके लिए अगर हम बात करें तो थायोल्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एल्कोहल के कंपेरिजन में। ये क्यों भाई, क्योंकि थायोल में सल्फर है और सल्फर का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। ओके, और अगर बल्की एल्कोहल है, बड़ी एल्कोहल है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं। तो यहाँ पर हायर बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ थायोल्स, बिकॉज थायोल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोलिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सोलिबिलिटी। अगर हम बात करें थायोल की,
तो थायोल्स आर इनसोल्यूबल इन वॉटर, थायोल्स आर इनसोल्यूबल इन वॉटर. व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखिए, थायोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इस वजह से थायोल क्या होंगे, वाटर में इनसोल्यूबल. लेकिन एल्कोहल वाटर में क्या थे, सोल्यूबल. तो ये हमने बात की है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स की. आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोल्स.